एवरीवन अस्सलामु अलैकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइम पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो है कश्मीर के हर बच्चे के हाथ में तिरंगा। मतलब कि कश्मीर के हर बच्चे के हाथ में अब है, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनके हाथ में तिरंगा है। तो कश्मीर जैसे जैसे 15 अगस्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे हमें कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है और इसमें वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करोगे तो ही आप लोगों को मेरे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो यार प्लीज़ कर लिया करो सब्सक्राइब चैनल को, क्या मिल जाएगा अगर आप लोग नहीं करोगे सब्सक्राइब? तो मिल जाएगा ना कुछ, अगर सब्सक्राइब करोगे तो कुछ तो मिलेगा ही ना आपको, मतलब वीडियोस तो मिलेंगे एटलीस्ट। चलो कर लो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाने वाले और कश्मीर के युवाओं के हाथ में पुस्तकों की जगह पर बंदूक पकड़ाने वाले आज नेताओं के दिल पर सांप लौट रहा होगा। दरअसल ये बच्चे और ये युवा जो हैं वो तिरंगा थामे नजर आ रहे हैं। देश हमारा बदल रहा है और कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए। और वक्त आज ये है कि धारा 370 भी हट गई है और वहाँ का जो युवा है, बच्चा बच्चा हाथ में तिरंगा थामे हुए है। तस्वीरें जो हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर जो पाकिस्तानी एजेंट हमारे देश में बैठे हुए हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो घायल हो चुके होंगे लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। पीएम मोदी की सरकार जब से आई है तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि जो अखंडता, जो संप्रभुता थी जिसकी बात पहले कही जाती थी, अब वो देखने को मिल रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरीके से जो मुस्लिम छात्र हैं वो स्कूलों में तिरंगा फहरा रहे हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। इसके साथ ही और भी कई तस्वीरें हैं, जो बच्चियां हैं वहाँ कश्मीर की, वो भी तिरंगा लेकर किस तरीके से हर घर तिरंगा और हर दिल तिरंगा का समर्थन कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुहिम चलाई है और देश के सभी नागरिक इससे जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के युवा हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। देखिए आप इन तस्वीरों को। इसके साथ ही आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आई है, वाराणसी से। वहाँ पर भी मुस्लिम बच्चियों ने तिरंगे के साथ जो तस्वीर खिंचवाई है बेहद ही खूबसूरत है। तो पहले देखिए कश्मीर से जो तस्वीरें आई हैं उसे और उसके बाद आपको दिखाते हैं वाराणसी की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर।
तो सुना आपने कि वंदे भारत और वंदे मातरम का तराना जो है वो गाया जा रहा है इंडियन मुस्लिम्स जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके मुंह से सुनने को मिल रहा है और जो है वो हर बच्चे के हाथ में आपको एक झंडा दिख रहा है जो कि तिरंगा जिसको तिरंगा कहा जाता है और पूरे पूरी दुनिया में इस तिरंगे का क्या नाम है ये तो आप भी जानते हैं और क्या कमाल है वो भी आप जानते हैं और इस तिरंगे को लहराते हुए इंडियन मुस्लिम बच्चे और जो है मतलब मैं आपको बताऊँ सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह से होगा मतलब कि लाइक तिरंगे को पकड़ के बच्चे स्कूल में इस तरह से मतलब मैं तो बहुत सारा इस वीडियो में मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क में उठा के बैठी थी जो माइंड में मेरे कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें आज हुई हैं जिसने आप देखो कि तिरंगा जो है एक तो बच्चों ने पकड़ा हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसको इज्जत देना उसको रिस्पेक्ट देना ये आप लोगों का फर्ज बनता है ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर स्कूल्स मैंने देखे कि एक स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे और वो भी सारे स्कूल में मुस्लिम बच्चे हैं मतलब कि मुझे कभी भी नहीं लग रहा था कि इस तरह का कभी होगा कि स्कूल सेपरेट भी होंगे। चलो मदरसा समझ आता है मदरसा एक अलग टाइप होता है उसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है लेकिन स्कूल स्कूल इस तरह से होंगे वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और सरप्राइजिंग था। तो गाइज आई होप कि आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग ही होगा या फिर कमेंट में बताओ कि कैसा होता है कि स्कूल मुस्लिम्स के और मतलब किस तरह से सेपरेट भी होते हैं या जस्ट मदरसा होते हैं और ये स्कूल था या मदरसा था ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी जिस तरह से वो पूरे स्कूल के चारों तरफ जो बच्चे खड़े हुए थे आई थिंक 3 फ्लोर्स थे उस सारों में ही बच्चे भरे हुए थे और सब लोगों ने तिरंगा पकड़ा हुआ था और लहरा रहे थे और साथ में तिरंगा जो है वो गा रहे थे सारे जहां से अच्छा तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था अमेजिंग 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 मज़ा आ गया। सो गाइज आई होप कि आप लोग भी इस तरह से मिलजुल कर रहें प्यार मोहब्बत से रहें और बस ये सिर्फ 15 अगस्त नहीं हमेशा इस तरह से रहा जाए तो क्या ही बात है। या आए दिन इतनी फजूल की नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं न्यूज़ में सो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही बेकार चीज़ें होती हैं। इस तरह से प्यार मोहब्बत से लोग रहें तो क्या ही बात है ना मौका मिले लोगों को इस तरह की कोई न्यूज़ छापने का और ना ही कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हों। सो आई होप कि गाइज आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो मासूम से बच्चे तिरंगे के आगे खड़े हुए हैं लहरा रहे हैं और साथ में जो हैं वो सुबह में आई थिंक सुबह के टाइम जो असेंबली होती है उसमें भी वो तिरंगे का मतलब इंडियन जो सॉन्ग है उसको मतलब आप तराना कहते हो ना हाँ तराना जो है वो उसको गा रहे थे तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है सुबह सुबह स्कूल में ना जो इस तरह से तिरंगा गा रहे होते हैं तराना पाक सर जमीन वाला तो मतलब इस तरह से पाकिस्तान में भी बहुत होता है। सो गाइज आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर मुझे शेयर करना मज़ा आ गया मुझे तो ये वीडियो देखकर तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय।